Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am your science teacher, Ms. Namsha, and today we will study unit number 10, sound. It is a continuing lecture of this chapter. Let's start today's topic, which is intensity, pitch and tone. There are many different sounds in the environment. Environment mein bahut sare different sound paaye jaate hain. Some are loud. कुछ जो है वो बहुत तेज़ होते हैं, उनकी जो आवाज़ है वो ज़्यादा लाउड होती है. सच एज साउंड मेड बाय जेट इंजन, जैसे जेट इंजन का साउंड होता है. सम सच एज विस्पर आर सॉफ्ट, कुछ जो होती हैं जिनकी जो आवाज़ है वो जो है वो सॉफ्ट होती है. एवरी वन ऑफ अस हैज़ अ डिफरेंट वॉइस, हर किसी की डिफरेंट वॉइस होती है. इमेजिन लिसनिंग टू द साउंड ऑफ बर्ड्स, आप एक बर्ड के साउंड को इमेजिन करें डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, एंड अ लाइन रॉर और एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ को. वाट मेक्स दैम डिफरेंट फ्राम ईच अदर, आप क्या देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है. द वेरिएशन बिटवीन साउंड इज कॉज्ड बाय देयर डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स, साउंड के अंदर जो वेरिएशन आ रही होती है वो किस पर डिपेंड करती है कि उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं जैसे साउंड की करेक्टरिस्टिक्स. दीज आर इंटेंसिटी, पिच एंड टोन. साउंड इंटेंसिटी इज मेजर ऑफ द एनर्जी ऑफ अ साउंड वेव. अब इंटेंसिटी किसे कहते हैं कि आपके पास, आपको पता है कि साउंड वेव जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रैवल करती है. जैसे आपको पता है कि साउंड वेव जब ट्रैवल करती है तो वेव इस तरीके की दिखती है. तो साउंड वेव के अंदर जब वो साउंड वेव ट्रैवल कर रही होती है तो वो साथ साथ एनर्जी को भी कैरी कर रही होती है, उसके अंदर एनर्जी भी होती है. तो इंटेंसिटी क्या है, साउंड इंटेंसिटी इज मेजर ऑफ द एनर्जी ऑफ साउंड वेव, कि साउंड वेव के अंदर जितनी एनर्जी मौजूद होती है वो साथ साथ कैरी कर रही होती है, वो उसकी क्या कहलाती है, साउंड इंटेंसिटी कहलाती है. द इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स. अब एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं स्टूडेंट, आपको पता है कि साउंड वेव इस तरीके दिखती है. अब ये एक वेव है, इसका मिड पॉइंट ये क्या कहलाएगा, इसका मिड पॉइंट ऐसा पॉइंट जहाँ पर इस तरफ भी वेव हो और इस तरफ भी क्या हो, वेव हो. अब यहाँ पर आगे कंटिन्यूस वेव चलती रहेंगी, तो ये जो मिड पॉइंट है ये क्या कहलाता है आपके पास स्टूडेंट, एम्पलीट्यूड, ये कहलाता है एम्पलीट्यूड. अब जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड, जितना कम एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही इंटेंसिटी क्या होगी आपके पास, कम होगी. और जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा किसी भी वेव का, आपके पास जो इंटेंसिटी की वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. किसी भी वेव का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड, यानी कि इस सेंटर से लेके इसका जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है. तो जितना आपके पास कम एम्पलीट्यूड होगा इंटेंसिटी भी आपके पास उतनी ही कम होगी, और साउंड की जो आवाज़ है लाउडनेस है वो भी उतनी कम होगी. और जितना ज़्यादा आपकी वेव के अंदर एम्पलीट्यूड होगा उतनी आपकी आवाज़ भी लाउड होगी, और आपके पास जो साउंड इंटेंसिटी है, साउंड की जो इंटेंसिटी है वो भी क्या होगी, आपके पास ज़्यादा होगी. ये पॉइंट स्टूडेंट आपको याद रखना है. नेक्स्ट इज पिच. पिच इज हाउ हाई और लो साउंड इज. पिच क्या कहती है हमारे पास, कि कोई भी साउंड है वो कितना हाई है और कितना लो है, वो क्या कहलाती है, उसकी पिच कहलाती है. इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द वेव, ये किस पर डिपेंड करती है, साउंड की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है कि वेव की जो है वो फ्रीक्वेंसी कितनी है. हायर फ्रीक्वेंसी हायर द पिच, अगर जो फ्रिक्वेंसी है वो हायर होगी तो पिच भी हाई होगी, और अगर आपके पास फ्रिक्वेंसी लो होगी तो आपके पास पिच भी क्या होगी, लो होगी. अब सवाल है कि फ्रिक्वेंसी किसे कहते हैं. जैसे मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट है, हम इसको वाइब्रेट कर रहे हैं तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. अब यहाँ पर दो फाइन लाइन्स आपको नज़र आ रही है, ये जो फाइन ये गैप वाली लाइन है ये, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्राउडेड नहीं है बल्कि एक दूसरे से सेपरेट हैं. और जो ये कंप्रेशन वाली लाइन से ये बता रही हैं कि यहाँ पर एयर पार्टिकल्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड क्राउड में जुड़े हुए हैं. अब किसी खास टाइम में, किसी खास पीरियड के अंदर ये जो वेव्स हैं, ये लाइन्स किसको शो कर रही है, वेव्स को शो कर रही है कि ये वेव्स हैं. अब किसी खास टाइम में, किसी खास पीरियड के अंदर क्या करेंगी, ये वेव्स जो हैं मूव करेंगी, तो वो टाइम जो है उसका क्या कहलाएगा, उसका फ्रिक्वेंसी कहलाएगा. जैसे मिसाल के तौर पर 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स यहाँ से मूव हुई हैं वो क्या कहलाएगी, उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाएगी. तो आपके पास पिच किस पर डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है. अगर आपके पास फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, ज़्यादा तेज़ी से मतलब वेव्स मूव कर रही होंगी, तो आपके पास पिच भी क्या होगी, हाई होगी. और आपके पास अगर जो वेव्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी कम होगी, यानी कि वो कम स्पीड से मूव कर रही होंगी, तो आपके पास जो साउंड है वो भी क्या होगा, लो होगा. द साउंड प्रोड्यूस बाय ड्रम हैव मच लोअर फ्रिक्वेंसीज.
देन दोज प्रोड्यूस बाय विस्टल। ये कहना है कि जो एक ड्रम की जो ड्रम आप बीट करते हैं उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या होती है, कम होती है। देन दोज प्रोड्यूस बाय विस्टल द फ्रिक्वेंसीज ऑफ सम साउंड आर शोन, कैन यू आइडेंटिफाई विच वन ऑफ हैज़ द हाइएस्ट पिच एंड विच वन ऑफ द लोएस्ट। आपके पास ये ऊपर आपको साउंड की पिक्चर दी गई है, ऊपर देख के आपको बताना है कि किस साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक इज मीडियम ऑफ साउंड। कैन यू हियर साउंड अंडर वाटर, कि आप जमीन वाटर के अंदर साउंड को सुन सकते हैं, बट यू कैन नॉट हियर एनी साउंड इन स्पेस। आप वाटर के अंदर साउंड को सुन सकते हैं मगर आप स्पेस की मैन के खला के अंदर साउंड को सुन नहीं सकते। व्हाई इज दिस, ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज साउंड इज ऑलवेज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तभी आपके पास साउंड प्रोड्यूस होता है। वाटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, वाटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, विच कैन वाइब्रेट टू प्रोड्यूस एंड कैरी साउंड वेव्स। जब वो वाइब्रेट होते हैं तो उसके साथ साथ जो है वो साउंड जो वेव्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। इन आउटर स्पेस, आउटर स्पेस में इनके खला के अंदर देर आर नो पार्टिकल्स टू वाइब्रेट, कोई पार्टिकल्स ही नहीं है। जब पार्टिकल्स नहीं है तो वाइब्रेशन भी नहीं होगी, जब वाइब्रेशन नहीं होगी तो साउंड वेव भी क्रिएट नहीं होंगी, और जब साउंड वेव ही नहीं होंगी तो आपको आवाज़ भी वहाँ पर नहीं आएगी। सो साउंड कैन नॉट ट्रैवल देयर, तो वहाँ पर साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं हो सकता। अ सब्सटेंस दैट मेक्स द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर पॉसिबल स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ वेव्स इज कॉल अ मीडियम। ये क्या कह रहे हैं कि ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या करे, एनर्जी की जो साउंड वेव है उसको एक प्लेस से दूसरी जगह पे लेके जाएगा, तो वो क्या कहलाता है, मीडियम। जैसे आपको पता है कि कोई भी सोर्स है साउंड के, वहाँ से साउंड वाइब्रेट हो रहा है, तो वो दूसरी जगह तक पहुँच कैसे रहा है? कोई ना कोई मीडियम लेके जा रहा है ना उसको, वो मीडियम हम एयर कह सकते हैं, कि एयर के पार्टिकल्स के थ्रू, एयर के पार्टिकल्स मूव करते हैं और फिर वो क्या बना लेते हैं, वेव बना लेते हैं, फिर वही वेव्स हमारे एयर तक पहुँचती हैं, हमारे एयर ड्रम पर टकराती हैं, तो हमें आवाज़ जो है वो महसूस होती है, हमें सुनाई देती है। तो इन मीडियम साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, जैसे हम एयर मीडियम है। मोस्ट ऑफ द साउंड वी हेयर ट्रैवल थ्रू द एयर, ज़्यादातर साउंड जो है वो ट्रैवल करते हैं एयर, यानी कि एयर जो मीडियम है वो क्या होता है, उनका एयर होता है। बट साउंड वेव्स कैन ऑल्सो मूव थ्रू वाटर, मगर साउंड वेव्स वाटर में भी ट्रैवल कर सकता है, वुड में भी, लकड़े में भी, और मेटल में भी, एंड एनी अदर सॉलिड, और कोई भी और सॉलिड में भी। ऑल दिस मटेरियल हैव पार्टिकल्स दैट कैन वाइब्रेट, इन तमाम मटेरियल के अंदर पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो कि वाइब्रेट होते हैं, जब वाइब्रेट होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। विदाउट अ मीडियम, मीडियम के बगैर देयर आर नो पार्टिकल्स टू कैरी द साउंड वेव, मीडियम के बगैर कोई भी पार्टिकल जो है वो साउंड वेव को कैरी नहीं कर सकता। एयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ गैसियस मीडियम, एयर जो है वो गैसियस मीडियम की एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें गैसेस के बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। इन अ टेलीफोन मेड बाय पेपर कप्स एंड अ स्ट्रिंग, एक टेलीफोन की अगर हम बात करें तो पेपर कप्स और स्ट्रिंग से मिलकर बनती है। साउंड ट्रेवल्स थ्रू द स्ट्रिंग दैट इज टाइड टू बोथ द कप्स, साउंड कैसे ट्रेवल करता है, स्ट्रिंग से जो कप्स लगे हुए हैं उस तक ट्रांसफर ट्रेवल करता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड मीडियम, ये किसकी एग्जाम्पल है, सॉलिड मीडियम की। तो आपके पास मीडियम क्या कहलाता है, कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। अब वो मीडियम एयर भी है और आपके पास वाटर के अंदर भी साउंड जो है वो ट्रेवल हो सकता है, तो वाटर भी आपके पास एज अ मीडियम हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज बाउंसिंग ऑफ साउंड। इन द प्रीवियस यूनिट यू लर्न दैट व्हेन लाइट हिट्स अ सरफेस इट बाउंसेस बैक, आपको ये पता है कि लाइट जब किसी चीज़ से टकराती है तो वो बाउंस बैक होती है, रिफ्लेक्ट होती है लाइट। साउंड वेव्स बिहेव सिमिलरली, साउंड की जो वेव्स होती हैं वो भी इसी तरीके से बिहेव करती हैं। व्हेन साउंड वेव्स हिट अ हार्ड सरफेस, जब साउंड वेव्स किसी हार्ड सरफेस पर टकराती हैं, सच एज द साइड ऑफ अ माउंटेन और द वॉल ऑफ द एम्प्टी रूम, जैसे एक पहाड़ी की चोटी पे आवाज़ टकराएंगी और एक खाली रूम में टकराएंगी, दे बाउंस बैक, तो वो क्या होंगी, दोबारा बाउंस बैक होंगी, वापस आएंगी। दिस इज कॉल्ड इको ऑफ साउंड, वो क्या कहलाता है, इको ऑफ साउंड। जैसे मिसाल के तौर पे आप यहाँ क्लैप करें, यहाँ एक वॉल लगी हुई है, तो आपके पास साउंड की जो वेव्स हैं वो इस वॉल से टकराएंगी और वापस आएंगी, और फिर वही टकराने के बाद आप उसे टकरा के जब आपको आपके एयर ड्रम पे हुई वाइब्रेशन उसकी आवाज़ पड़ेगी तो वो आपको चीज़ करेगी, सुनाई देगी। तो वो क्या कहलाती है, इको, कि हाउ एन इको प्रोड्यूस एंड हियर्ड। यहाँ पर हमने क्लैप किया, वाइब्रेशन हुई, वाइब्रेशन इन जो है वो साउंड वेव्स इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव ट्रेवल हुई, वॉल्स टकराई, वॉल्स टकराने के बाद वापस बाउंस बैक होके हमारे एयर ड्रम पे टकराई और फिर वो हमें इको जो है वो हियर्ड हुई, यानी कि हमें वो आवाज़ जो है वो सुनाई दी।
यू कैन नॉट हेयर एन इको एवरी टाइम यू स्पीक. जरूरी नहीं है कि हम हर दफ़ा स्पीक कर रहे हो तो इको प्रोड्यूस हो. देर आर सर्टेन कंडीशन इन विच एन इको इज हेयर. कुछ सर्टेन कंडीशन होती है जिसमें इको प्रोड्यूस होता है. इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर द बॉटम ऑफ द ओशियन साइंटिस्ट यूज इक्विपमेंट दैट क्रिएट्स इकोज. आपको पता है कि जो ओशियन का जो बॉटम होता है साइंटिस्ट जो है वो कुछ इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं इको को क्रिएट करने के लिए. दिस इक्विपमेंट सेंड साउंड टू द ओशियंस फ्लोर. तो ये जो इक्विपमेंट है ये क्या करते हैं साउंड को सेंड करते हैं ओशियन के फ्लोर पे. एंड द साउंड बाउंस बैक इन डिफरेंट पैटर्न्स. और फिर वो साउंड जो है वो बाउंस बैक होता है डिफरेंट पैटर्न्स में. देखिए आप यहाँ पिक्चर से देख रहे हैं ये ओशियन है यहाँ से जो वो वाइब्रेशन है यानी कि इको जो है प्रोड्यूस हो रहा है. फिर यहाँ से बाउंस बैक डिफरेंट पैटर्न्स के अंदर जो है आपके पास जो वाइब्रेशन है वो जा रही है. इसको हम क्या कहेंगे इको कहेंगे. द इक्विपमेंट यूज टू सेंड एंड रिसीव द साउंड इज कॉल्ड सोनर. वो इक्विपमेंट जो कि साउंड को सेंड करते हैं रिसीव करते हैं वो क्या कहलाते हैं सोनर कहलाते हैं. एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इकोलोकेशन. और जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है इकोलोकेशन. होपफुल स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर. इंशाल्लाह वी विल मीट यू इन अनदर वीडियो विद इंशाल्लाह. नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.